हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एडमिशन के टाइम में किस तरीके से होता है। इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा डिटेल में सारा ट्रीटमेंट मिल जाएगा हर केसेस का, इसलिए शांति से 10 मिनट इस वीडियो को देखिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। वन ऑफ द एडजस्टमेंट है जिसमें पार्टनरशिप में जो प्रॉब्लम करता है, लगभग हर किसी को प्रॉब्लम करता है, इसीलिए इसको जानिएगा तो आपके पार्टनरशिप में लगभग किसी भी क्वेश्चन में आधा नंबर तो सिक्योर हो जाएगा। मतलब कि अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर आपको आराम से मिल सकता है, ठीक है। और हर क्वेश्चन में लगभग ये वाला कॉन्सेप्ट रहता ही रहता है। तो सबसे पहले एक नया पार्टनर जब आता है तो उसको साथ में कैपिटल और शेयर ऑफ गुडविल दोनों लाना पड़ता है। अब शेयर ऑफ गुडविल होता क्या है? सपोज़ आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, 10 साल से चला रहे हैं, तो आपने कुछ रेपुटेशन बिल्ड किया होगा। यानी कि सपोज़ आपको सामान बेचते हैं और वो सामान कोई ख़रीदने के लिए आता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आपका दुकान का नाम चेक करता है। तो क्यों करता है? क्योंकि आपका गुडविल बिल्ड हो गया है सबके मन में या फिर सबके दिमाग में, ठीक है। तो उस गुडविल का कुछ वैल्यू होता है, जो भी वैल्यू होता है उसका एक पर्टिकुलर शेयर जो भी नया पार्टनर आता है उसको लाना पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। अब सबसे पहले गुडविल लाया जाए, कैपिटल गुडविल दोनों लाया तो उसका एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये ट्रीटमेंट होगा। बैंक कैश आ रहा है, पार्टनर्स का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और गुडविल भी साथ में क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब 3 सिचुएशन ऐसे होते हैं जिसमें गुडविल का एडजस्टमेंट किया जाता है, 3 सिचुएशन बस। जब गुडविल प्राइवेटली पे कर दिया जाता है, यानी कि पार्टनर बिजनेस से बाहर अपना गुडविल का एडजस्टमेंट कर लिए, पहला केस ये होता है। सपोज़ आप है पार्टनर, नया पार्टनर आ रहा है, आपको पर्सनली कुछ सामान ला के दे दिया गुडविल के लिए, तो उसमें बिजनेस का कोई रिलेशन नहीं हुआ, वो अपना एडजस्टमेंट आप लोग का बीच में हो गया, बिजनेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्या एंट्री होगा? नो एंट्री, ठीक है। उसके बाद सेकंड, व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और काइंड, जब वो गुडविल लाता है कैश में या काइंड में, सबसे पहला एंट्री तो आपको पता ही है कि बैंक अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट होता है, सबसे पहला एंट्री ये होगा, ठीक है। अब इसमें 2 केस होते हैं, गुडविल लाया, क्या वो गुडविल बिजनेस में रह गया, वो पार्टनर ओल्ड पार्टनर को जो भी मिला है वो विड्रॉ नहीं किया उस गुडविल को, या फिर वो जो शेयर ऑफ गुडविल लाया उसको बाकी के पार्टनर अपने घर ले गए, ठीक है। 2 केस होता है। सबसे पहले देखते हैं बाउट गुडविल इज़ रिटेन्ड इन बिजनेस, जो भी गुडविल लेके आया उसको अपने बिजनेस में रखा हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर स्टूपिंग फूल, ये एंट्री कॉमन होगा हर एडजस्टमेंट में, ठीक है, लाने का एंट्री। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सेक्रीफाइजिंग रेशियो में, ओल्ड पार्टनर कुछ खुद का शेयर को सेक्रीफाइस करा, सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाला, मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा दिया है अच्छे तरीके से, अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके देखिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है, सारा कॉन्सेप्ट उसमें कवर हो गया है। अब प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि गुडविल जो था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सेक्रीफाइजिंग रेशियो से बांट दिए, सिंपल। इसमें रिटेंशन है, इसमें गुडविल विड्रॉल नहीं किया है। अब विड्रॉल का केस में क्या एंट्री होगा? विड्रॉल का केस में अब विड्रॉ कर रहे हैं तो ये 2 एंट्री तो सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए विड्रॉल बाय ओल्ड पार्टनर्स का है, 2 एंट्री सेम हुआ। तीसरा एंट्री एक ये आएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं और बैंक क्रिएट कर रहे हैं, बैंक से पैसा जा रहा है, मेरा एसेट है क्रिएट हो रहा है, और ओल्ड पार्टनर्स का मेरा कैपिटल कैपिटल लाइबिलिटी होता है जो कि घट रहा है, विड्रॉ कर रहा है तो उसका कैपिटल घट रहा है। यहाँ पे कैपिटल बढ़ाए थे क्योंकि उसके शेयर, उसका शेयर बढ़ा था जो नया पार्टनर गुडविल लाया था उसके अमाउंट से, तो अब उसका शेयर घट रहा है क्योंकि वो पैसा उस वो वाला पैसा निकाल ले रहा है, इसलिए उसका अकाउंट को डेबिट कर रहा है, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। ये 3 2 केस हुए। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस ही मैक्सिमम टाइम आपके क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। थर्ड केस, वेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और काइंड, शेयर ऑफ गुडविल
लाया ही नहीं, एडजस्टमेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि जो गुडविल जनरेशन है उसका फ़ायदा थर्ड पार्टनर भी उठाएगा, इसलिए उसको शेयर उसका लाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो नहीं लाए तो उस केस में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उसका कैपिटल, उसका करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट होगा। जो भी होगा, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या होता है, मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट देखा नहीं तो जाके प्लेलिस्ट देखिए, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का, ठीक है? तो करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं अगर वो गुडविल नहीं लाता है तो, ठीक है? करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं, और बाकी जैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है बाकी के पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, सेक्रीफाइजिंग रेशियो से वैसा ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब आइए देखते हैं एंट्री, बैंक अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? ये एंट्री तो हो गई जो मैंने बताया था कॉमन। इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं हुआ क्योंकि गुडविल लाया ही नहीं, ठीक है? नहीं तो फिर देखिए यही वाला एंट्री शुरू से चलते हुए आ रहा है यहाँ से, ठीक है? इसमें शेयर ऑफ गुडविल लाया नहीं, इसलिए एंट्री नहीं हुआ टू प्रीमियम फॉर गुडविल का। तो गुडविल का एडजस्टमेंट किस तरीके से होगा? न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइजिंग रेशियो में, ओल्ड पार्टनर का, न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिए, करेंट अकाउंट डेबिट कर दिए। बुक में आपका एनसीईआरटी के बुक में आपका कैपिटल अकाउंट करके दिया हुआ है, लेकिन आपको करेंट अकाउंट करके करना है क्योंकि कैपिटल में इफेक्ट नहीं पड़ता है गुडविल से, ठीक है? आप कैपिटल भी लिखिएगा यहाँ पे तो आपका दिक्कत नहीं है, लेकिन करेंट अकाउंट ही यूज़ कीजिएगा, नॉर्मल और सही लॉजिक यही होता है, ठीक है? अब न्यू पार्टनर अपना कैपिटल ले आया और गुडविल का एडजस्टमेंट अपना करंट अकाउंट से किया, टेंशन नहीं लेने का। एग्जाम्पल है मेरे पास, दो दो एग्जाम्पल बहुत अच्छे, डीके गोयल का बुक से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस एंट्री को अच्छे से समझिए, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पर अगर वो गुडविल नहीं लाया तो उसका करंट अकाउंट को हम घटा देंगे, करंट अकाउंट को घटा दिए। क्यों क्यों घटा दिए? उसका करंट अकाउंट से पैसा निकाल लिए हम, ये रहा, डेबिट कर दिए। करंट अकाउंट भी तो उसका लाइबिलिटी है ना पार्टनर फॉर्म के लिए, तो उसका जो भी पैसा है उसको हम घटा दिए, और ओल्ड पार्टनर्स को मिलना चाहिए तो उसको हम दे दिए, सिंपल सा। न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? अब ये तीन केस थे, तीन सिंपल सिंपल केस थे जो आपके नॉर्मल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से थर्ड वाला केस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जब पार्टनर नहीं लाता है तो क्या होता है, तो उसके करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट होता है। बस इतना ध्यान रखिए, करंट अकाउंट से, कैपिटल भी लिख सकते हैं लेकिन कोशिश कीजिएगा कि करंट अकाउंट लिखे, ठीक है? अब अगर गुडविल खुद पहले से ही बैलेंस शीट में दिया हुआ है, ऑलरेडी अपेयर्स इन द बुक्स, तो उस केस में क्या करेंगे? आपके क्वेश्चन में दे देगा गुडविल अपेयर्स इन द बुक, यानी कि बैलेंस शीट, जो ओपनिंग बैलेंस शीट देगा आपको, उसमें कुछ भी 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये गुडविल का अमाउंट दे देगा, उस केस में क्या करेंगे? उस केस में सबसे पहले हमको उस गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ मीन्स उस गुडविल को वहाँ से हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा यानी कि क्या, जो भी गुडविल है वो पार्टनर्स का है, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रिएट होगा गुडविल, ठीक है? उसको हमको कम करना है, गुडविल एसेट है, एसेट को घटाएंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट, और एसेट साइड में आता है गुडविल, आप जब भी देखिए क्वेश्चन में, और जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसको करेंगे डेबिट, क्योंकि उसमें पहले से क्रेडिट क्रेडिट था, उसी का शेयर है गुडविल। तो कोई भी चीज़ को राइट ऑफ करना, ख़त्म करना या फिर ले जा रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गिरा देंगे। कभी भी अगर गुडविल बोलेगा अपेयर्स, कभी भी आपको गुडविल दिखा, कभी भी हर क्वेश्चन में, तो हर क्वेश्चन में कितना भी दिखा, क्या दिखा, गुडविल एसेट साइड में, सबसे पहले उसको राइट ऑफ कीजिए। सबसे पहला एंट्री ये होगा राइट ऑफ का, इसके बाद कैपिटल ब्रिंगिंग का एंट्री होगा और गुडविल ब्रिंग का एंट्री होगा, उसके बाद जो उसका गुडविल है उसको हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उसके बाद जो भी होगा होगा, जो भी एज पर द केस, ठीक है? सबसे पहला एंट्री ये होगा, ठीक है? जब भी सूट एट साइट, गुडविल दिखा, मार्क ख़त्म, ठीक है? सिंपल सा। क्यों ख़त्म करते हैं? क्योंकि न्यू पार्टनर आ रहा है तो जितना भी उस टाइम में गुडविल है उसको वैल्यू करेंगे हम। ये परचेज गुडविल है पुराना पार्टनर का, तो पुराना पार्टनर, तो भाई पुराना पार्टनर तुम अपना पुराना गुडविल ले लो, नया पार्टनर को नया नया गुडविल मिलेगा, ठीक है? अब इसके बाद
आप अच्छे से समझ गए होंगे अब तक जो भी मैंने समझाया। एंट्री, एंट्री कैसे याद होगा? एंट्री याद नहीं होगा, एंट्री प्रैक्टिस करना होगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा करेक्टनेस, नीटनेस, सब कुछ। ठीक है, तीन केस थे। अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन जो डिगेल का बुक का है। डिगेल का बुक यूज़ कर रहा हूँ फ़ोटो में, उसके लिए सॉरी, क्योंकि एजुकेशनल पर्पज़ से यूज़ कर रहा हूँ। ऑल किड गोज़ टू डिगेल। पी एंड क्यू शेयर्स प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3। आर इज एडमिटेड टू सेवेंथ में एडमिट हुआ आर प्रॉफिट में। गुडविल पहले से अपीयर कर रहा है बैलेंस शीट में जो कि 1 लाख रुपए सूट एट साइट पास द नेसेसरी जनरेट थी। इफ आर कैन नॉट ब्रिंग इन कैश फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल, 80,000 उसका शेयर है, और आर ब्रिंग्स इन कैश 80,000 इस शेयर ऑफ गुडविल। सबसे पहला एंट्री सूट एट साइट। सूट एट साइट का एंट्री क्या होगा? जो भी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ओल्ड कैपिटल टू गुडविल। बस सिंपल, गुडविल मेरा एसेट है, उसको हम क्रिएट करो। ख़त्म करना है तो कोई भी एसेट को ख़त्म करना है तो उसको क्रिएट कर दो। और जो भी आपका क्रेडिट साइड में शो कर रहा है कैपिटल का, उसको हमको कम करना है। आपका कैपिटल कम हो रहा है, आपका वैल्यू कम हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। ठीक है, अब सबसे पहले सूटेड साइट का काम हो गया। उसके बाद गुडविल, उसका 80,000 शेयर है। यहाँ पे ये भी लिख सकता था गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख रुपया, ये अपीयर है, प्लस वैल्यू ऑफ द फर्म भी दे सकता था। उस केस में हमको 2/7 फर्म का वैल्यू का निकालना पड़ता, वही उसका शेयर था, लेकिन वही 2/7 शेयर 80,000 दे दिया है। तो अब दे दिया है तो करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करो 80,000, और बाकी जो ये रहा सेक्रीफाइजिंग रेशियो, इन सेक्रीफाइजिंग रेशियो ध्यान रहे, सेक्रीफाइजिंग जो जितना सेक्रीफाइजिंग रेशियो आपको निकालना पड़ेगा, बिना सेक्रीफाइजिंग रेशियो का गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। गुडविल ट्रीटमेंट में सबसे पहला काम सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालना। सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकल गया, उसके बाद गुडविल पहले जो लाया उसका ट्रीटमेंट नहीं लाया तो करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करना है। आर्स करंट अकाउंट को घटा दो और बाकी ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइजिंग, पी जितना सेक्रीफाइस किया है उसका वैल्यू और क्यू जितना सेक्रीफाइस किया उसका वैल्यू, दोनों को लिख देना है। 80,000 को शेयर कर देना सेक्रीफाइजिंग रेशियो में, बस ये ट्रीटमेंट। इसके बाद ये 80,000 रुपीज़ सेकेंड में लिया है कि 80,000 रुपीज़ लाया है अपना शेयर लाया है, तो ये एंट्री तो कॉमन होगा। ठीक है, ये एंट्री बदल जाएगा। यहाँ देखिए ये एंट्री कॉमन है 1 लाख रुपया वाला। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा प्रीमियम 80,000 लाया है, बैंक अकाउंट टू पेम फॉर गुडविल लाया है। बैंक अकाउंट टू पेम फॉर गुडविल, यहाँ पे कैपिटल तो कैपिटल का कोई केस नहीं दिया है, इसलिए अगर कैपिटल देता तो यहाँ बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट टू पेम फॉर गुडविल अकाउंट करते हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पे जैसा क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रीमियम गुडविल लाया है, कैपिटल भी लाया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं दिया कैपिटल 80,000 गुडविल लाया है, 80,000 गुडविल का एंट्री पास कर दिया बैंक अकाउंट पेम फॉर गुडविल। इसके बाद जो भी पेम फॉर गुडविल है उसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे फर्क कितना, पेम फॉर गुडविल ले आया इसलिए पेम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करते हैं, यहाँ पे नहीं लाया था इसलिए करंट अकाउंट से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। बस होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अभी। ठीक है, अब एक और केस होता है, सपोज मैं बताता हूँ, इसके बाद में इलस्ट्रेशन उसी का। सपोज इसका शेयर 80,000 है लेकिन वो लेके आया है 50,000। इसका मीन्स क्या है? अपना शेयर का कुछ पार्ट ही लेके आया है, वो पूरा वैल्यू लेके नहीं आया है। उस केस में कैसा ट्रीटमेंट होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जितना शेयर लाया है उस केस में तो ये वाला एंट्री पास होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, और बाकी जो बचा है जो नहीं लाया है उसको करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट कर देंगे। समझ रहे हैं आप? सिंपल सही है, जितना लाया है प्रीमियम फॉर गुडविल से करो, जितना नहीं लाया है करंट अकाउंट से करो। अब इस पर एक एग्जांपल है, आइए देखते हैं। ये रहा, ए एंड बी इक्वली शेयर करता है, सी को एडमिट किया पार्टनरशिप में जो कि सिर्फ 60,000 रुपया दिया, 60,000 फॉर प्रीमियम, आउट ऑफ शेयर प्रीमियम 1,08,000। ए 1,08,000 में से सिर्फ 60,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल दिया है फॉर 1/4 ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। गुडविल अकाउंट अपीयर इन 3 लाख रुपया शूट एट साइट। ठीक है, ऑल पार्टनर्स हैव डिसाइडेड दैट द गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द फर्म्स बुक। सब चाहता है कि गुडविल फर्म्स में अपीयर ना करे, गुडविल अपीयर ना करे। इसका मतलब क्या है? शूट एट साइट जो भी है रिटर्न ऑफ कर दो। नहीं बोलता फिर भी हम करते हैं, अगर अपीयर करना पड़ेगा तो वैल्यू दे देगा, तब उस केस में आप उस टाइम का जितना वैल्यूएशन रहेगा
उसको हम लिखेंगे, यानी कि कैसे लिख देंगे आपको बताते हैं। देखिए, गुडविल अपियर्स इन द बुक्स 3 लाख रुपए दिया, इसको तो हमको राइट ऑफ करना है। अगर यहाँ पे अपियर्स इन द बुक्स ऑफ फॉर्म में लिख देता तो हमको नया रेज करना पड़ता है। रेज कौन सा करते, जिस दिन एडमिशन हो रहा उस दिन कितना वैल्यू है, ये तो 3 लाख रुपया पुराना वैल्यू होगा ना, उस दिन का वैल्यू हम रेज करते हैं। गुडविल रेज का ट्रीटमेंट कैसे होता है, कुछ नहीं, बहुत ईजी है। जितना भी गुडविल रेज हो रहा है गुडविल अकाउंट को डेबिट कर दो और बाकी जो पार्टनर्स है उसको क्रेडिट कर दो, बस खत्म हो गया गुडविल रेज। नया नया एसेट बना दिए और बाकी पार्टनर क्रेडिट कर दिए। यही गुडविल एक टाइम पे तो रेज हुआ होगा 3 लाख रुपया ना, तब जाके ना हम इसका उल्टा एंट्री कर रहे हैं खत्म करने के लिए, समझ रहे हैं ना, इसीलिए ये उल्टा एंट्री होता है, यानी कि गुडविल राइट ऑफ करते। एक समय में ये एंट्री पास करके रेज किए होंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, गुडविल को हटा रहे हैं। हटाने के समय गुडविल अकाउंट डेबिट जो था क्रिएट कर दिया, क्रिएट अकाउंट जो था उसको डेबिट कर दिया, तो एज कैपिटल अकाउंट बिस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया और गुडविल अकाउंट क्रिएट हो गया 3 लाख से, जो कि आपका अपियर कर रहा था। अब प्रीमियम फॉर गुडविल लाया 60,000, तो प्रीमियम फॉर गुडविल लाने का एंट्री तो यही होगा, आपको बता दिया था, बैंक अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैपिटल आता तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता, क्रिएट हो जाता। अब जितना लाया है 60,000 लाया है और बाकी जो चीज करेंट अकाउंट से एडजस्टमेंट कर दिया 48,000, टोटल हो गया 1,08,000, और 1,08,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया है 54-54, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इजिली बांट दिया है, कुछ सोचना समझना नहीं है, जो कि इक्वली कर रहा था शेयर तो बाकी इक्वली उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया। ये था पूरा कॉन्सेप्ट आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन एडमिशन ऑफ पार्टनर का। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके का वीडियो आपको पूरे क्लास 12 के लिए मिलेगा, साथ में आपको फ्यूचर के लिए भी कुछ कुछ टिप्स मिलेगा, तो चैनल में बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग योर नीड।